नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, यदि आपके मुंह से गंदी स्मेल आती है, गंदी बदबू आती है, आप सुबह शाम दांत साफ करते हैं लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसी बदबू आती है, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, आपके मुंह से कभी भी गंदी बदबू आ ही नहीं सकती। तो क्या वो तरीका है जानने के लिए अभी हाल एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ऐसे वीडियो में हमेशा अपलोड करता ही रहता हूं। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। क्या करना है दोस्तों आपको, आपको चुटकी भर पिसा हुआ धनिया लेना है, चुटकी भर, और इस धनिए में एक इलायची के पूरे दाने निकालकर उसमें डाल दीजिए और एक लौंग। बस ये तीन चीजें आपको अपने दांतों में दबा लेना है डाढ़ के नीचे। अब इन तीनों चीजों का जो रस है वो धीमा धीमा करके आप इसको निगलते जाइए। एक बार में ही नहीं निगलना है, आपको इसको चूसते रहना है। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है, याद रखना दोस्तों, ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। इसके बाद आप किसी से भी पूछ लेना, आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। और इसका एक फायदा और है, यदि आपके पेट में कोई खराबी है, जिस खराबी से आपके मुंह से बदबू आती है, गंदी स्मेल आती है, आप इसको डेली करते रहिए, कुछ ही दिनों के बाद आपके पेट की खराबी बिल्कुल दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। ऐसा आप करके देखिए, लाइची लौंग और धनिये के मिश्रण से एक इस तरह की लार बनती है, जो हमारे पेट की जो भी गड़बड़ी है, जिससे हमारी गंदी स्मेल आती है हमारे मुंह से, उसको यह मिश्रण सही करता है। तो जब तक आपके मुंह से गंदी स्मेल आना बंद ना हो, इसको डेली करते रहिए, मेरी गारंटी है कुछ ही दिनों के बाद आपके मुंह से गंदी स्मेल आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी, टोटल बंद हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको यह फ्री को बहुत अच्छा लगा हो, तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों कमेंट में मुझे जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।